भारत में लोकसभा चुनाव के बीच 25 मई को पाकिस्तानी नेता चौधरी फवाद हुसैन को बयानबाजी महंगी पड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फवाद हुसैन को ऐसा जवाब दिया है जो काफी चर्चा में है। दरअसल हुआ ये कि केजरीवाल ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत दिल्ली में अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर परिवार के साथ तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। केजरीवाल की इस पोस्ट पर फवाद हुसैन ने कामना करते हुए लिखा कि शांति और सद्भाव, नफरत और अतिवाद की ताकतों को हराएं। इसके बाद केजरीवाल ने जवाब दिया, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, आप अपने देश को संभालिए। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा, भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल ने ये सब ऐसे वक्त में किया है जब पिछले दिनों पाकिस्तानी नेता की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला था।